नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो साथियों, पिछली वीडियो आपने श्री करणी माता जी की देखी, जो कि देशनोक धाम में बने हुआ है उनका भव्य मंदिर। और साथियों, इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं श्री सिंगाल धोरा धाम, जहाँ पे बहुत ही प्राचीन धूणा है यहाँ पे। और साथियों बता दें कि यहाँ पर शिव भगवान की प्रतिमा और उनका शिवलिंग है, जो कि दोस्तों उनकी पूजा की जाती है। और साथियों बता दें कि जहाँ सिंगाल धोरा है वहाँ पर आज तक जो धोरों की गिनती नहीं की गई कि कितने धोरे हैं, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको बता दें कि जब आंधी और तूफान आती है तो जो मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती रहती है। तो साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको ये देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो साथियों चलते हैं और आपको सिंगाल धोरा दिखाते हैं, काफी सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो काफी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों अभी हम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर जो सिंगाल धोरा है वो स्थित है, और काफी सुंदर व्यू आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो रास्ता है उसके दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी हरियाली आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि अब की बार यहाँ पर बारिश बहुत ही अच्छी हुई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हरियाली आपको देखने को मिलेगी। बाकी फसल भी दोस्तों अभी काफी बड़ी बड़ी हो चुकी है यहाँ पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों फाइनली हम सिंगाल धोरा पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिंगाल धोरा, काफ़ी सुंदर व्यू आप यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और साथियों अब आपको हम दर्शन करवाएंगे, और साथियों आपको बता दें कि रात को हम यहीं पे रुके हुए थे और रात हमने यहीं बिताई, और अभी सुबह का वक्त हो चुका है, लगभग 7:30 बज चुके हैं। और अब हम अंदर चलेंगे मंदिर में और वहाँ पर आपको दर्शन कराएँगे, और काफ़ी खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा चलते हैं। तो साथियों सुबह का वक्त है, सुबह सुबह यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी दुकानें वगैरह खुल चुकी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये मेन गेट द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करेंगे। साथियों ये मेन गेट द्वार है बाबा के जाने का, इसके थ्रू हम आगे जाएंगे। तो साथियों अभी हम मंदिर के गेट द्वार से प्रवेश होकर के और अंदर मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, जहाँ पे आप व्यू देख पाएंगे कि इस साइड में भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर भी बनाए गए हैं। और साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही सारे चारों तरफ आपको धोरे ही धोरे देखने को मिलेंगे। और साथियों आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम है, तो चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी। और जब आप कार्तिक के टाइम में आएंगे, और जब यहाँ पर सब फसल वगैरह कट जाएगी और जब सर्दी पड़ेंगी उस टाइम में आप देखेंगे, तो साथियों आपको चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आएगी, और यहाँ पर आपको गांव वगैरह भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो साथियों चलिए चलते हैं मंदिर में, हम दर्शन करेंगे, उसके बाद में आपको व्यू काफी सुंदर दिखाएंगे। बहुत जोरदार। साथियों अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं श्री भोलेनाथ जी महाराज का, और सामने अभी मैंने आपको दिखाया जो धूणा था यहाँ का, और यह रूपनाथ जी महाराज का जो मंदिर है वो आप सामने देख रहे हैं। और यहाँ पर चारों तरफ परिक्रमा भी बनाई गई है, तो सबसे पहले हम परिक्रमा करते हैं, उसके बाद में आपको वो व्यू दिखाएंगे जो भोलेनाथ का वहाँ पर मंदिर है। और अभी जो मैंने धूना दिखाया साथियों, वही धूना है जो कि हर युग में यहाँ पर और जो आकर के और संत जो हैं वो तपस्या करते हैं और इस धूने को प्रज्वलित करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और सामने जो धूना अभी आपने नहीं देखा तो अभी मैं और दिखा देता हूँ आपको, बाबा रूपनाथ जी महाराज का धूना है जो आप सामने देख रहे हैं। और इस साइड में आप देखेंगे तो काफी अल्टीमेट व्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, सबसे पहले हम दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। साथियों यहाँ पर प्राचीन शिवालय बना हुआ है जो अभी हम आपको दिखाएंगे।
साथियों, जो भगवान शिव का हमने अभी आपको दर्शन करवाया और यहाँ की जो परिक्रमा है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। इस साइड में फ्रिज लगा हुआ है, तो साथियों इस साइड में आप देखेंगे श्री गोरखनाथ जी महाराज का दोना, जो आप अंदर से देख पाएंगे कि जो श्री गोरखनाथ जी महाराज ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, तो उनका दोना यहाँ पर बना हुआ है। तो साथियों अभी जो सामने आप देख पा रहे हैं ये भी काफ़ी प्राचीन दोना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। साथियों इस साइड में आप देखेंगे तो आपको चार तरफ दोहरे ही दोहरे देखने को मिलेंगे। इस साइड में काफ़ी सुंदर व्यू आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंदिर है काफ़ी, इसका गुम्बद काफ़ी ऊँचा बनाया गया है और यहाँ पर काफ़ी सारी जो छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जो शायद समाधि हैं, तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक ये पीपल का वृक्ष है जो कि काफ़ी हरा भरा है, जो कि आप देख पा रहे हैं, और ये मंदिर के नीचे से दोने में निकला हुआ है। तो साथियों अभी हम उस स्थान पर चलेंगे जो सामने आप देख रहा है ना, बाबा भोले का ऊपर वाला मंदिर, वहाँ पर चलेंगे और वहाँ से जो यहाँ का व्यू है ना वो आपको काफ़ी अल्टीमेट दिखेगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो साथियों अभी आप देख पाएंगे कि हम छत के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से जो भोलेनाथ का मंदिर है वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, ऊपर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं और इस साइड में आप देखेंगे तो साथियों आपको चारों तरफ यहाँ पर धोरे धोरे देखने को मिलेंगे। चारों तरफ जो यहाँ की मिट्टी है वो कुछ इस प्रकार की है कि आपको सफ़ेद और कुछ इस प्रकार की यहाँ पर नज़र आएगी, भूरी भूरी, और चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ से जो व्यू है काफ़ी आपको अल्टीमेट देखने को मिलेगा। साथ में आप देखिए दोस्तों कि जो यहाँ पर खेतों के अंदर खेजड़ी के वृक्ष हैं वो आपको यहाँ से किस प्रकार के नज़र आ रहे हैं। और साथियों इस साइड में आप देखेंगे कि जो लाइन के खंभे लगे हुए हैं वो अभी नई लाइन आ रही है, क्योंकि बीकानेर में हमने पिछली वीडियो में आपको हमने दिखाया था कि वहाँ पर काफ़ी सारे सोलर पैनल वो लग रहे हैं, इस आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अभी सुबह सुबह का वक्त है, अन्यथा दोपहर में आप देखेंगे कि यहाँ पर भीषण गर्मी भी पड़ती है। ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर जो आप देखेंगे कि दोपहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शाम को भी गर्म माहौल होता है, लेकिन जब सुबह होती है तो बहुत ही ठंडा मौसम होता है, यहाँ की रेत भी ठंडी हो जाती है। तो काफ़ी सुंदर व्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो चारों तरफ का व्यू आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार का व्यू देखने को मिल रहा है। तो साथियों मैंने आपको सेंगाल का दौरा दिखाया और काफ़ी सुंदर दर्शन भी आपको करने को मिले। और साथियों इस साइड में आप देखेंगे, अभी हम नीचे पे आ चुके हैं, इस साइड में आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार से जो घर बना करके लोग खेतों में निवास करते हैं, जब फसल बोई जाती है और उसके बाद में वापस वो अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लेना, जिससे कि दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।